तो ये फ्रेंड्स, अब हम विस्तार में बात करते हैं कि हमारे पास अब कौन कौन से वे हैं जब एक बच्चा अपना स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म कर लेता है उसके बाद उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है, जिसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई थी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा का स्टूडेंट जब एक स्टूडेंट का स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होता है तो उसके बाद उसको वर्क परमिट किस तरह अप्लाई करना होता है। लेकिन बात आती है पीआर की, परमानेंट रेजिडेंसी हमने किस तरह अप्लाई करनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आपने जो है पीआर को अप्लाई करना है। इसके काफ़ी स्ट्रीम्स हैं, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम पीआर किस तरह होती है। जो मेजर प्रोग्राम है दैट इज़ द एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, जिसमें तीन आगे उसके फिर एक सेक्टर्स बने हुए हैं, सब क्लास है। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। CEC को हम IEC भी बोलते हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास। इस पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। एंड उसके बाद जो दूसरा एक मेजर स्ट्रीम है दैट इज़ PNP, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ये आपको अकेले अकेले PNP में जाके देखना पड़ेगा कि आपके प्रोफाइल को कौन से PNP में डिमांड बहुत है। सपोज किसी बच्चे ने कोई डिग्री की है और जो उस डिग्री की बहुत डिमांड है उस प्रोविंस में, देन ही और शी कैन अप्लाई फॉर दैट। चलिए इसके बारे में पहले बात करते हैं, PNP है क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, PNP इज़ अ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। कनाडा में काफ़ी प्रोविंसेस हैं, जैसे टोरंटो सॉरी ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, अल्बर्टा, सस्कैचेवन, इस तरह के प्रोविंसेस हैं बने हुए अलग अलग। सो अगर आप पेपर बेस्ड अप्लाई करते हैं, यू मस्ट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ वन ऑफ द प्रोविंस। आपको जो भी उस प्रोविंस में अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम, वो आपको पूरी की पूरी माननी पड़ेंगी। और दूसरा, उसमें आप नॉमिनेट हुए होने चाहिए। नॉमिनेट इन द सेंस कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस वो आपको वहाँ उस प्रोविंस में डिमांड में होनी चाहिए। ओके, दूसरा है इफ़ यू अप्लाइंग थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के जरिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको जो प्रोविंस की हैं जो शर्तें हैं वो पता होनी चाहिए। दूसरा, आप नॉमिनेट हुए होने चाहिए। थर्ड, आपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल आपकी बनी हुई होनी चाहिए और एक्सप्रेस एंट्री की जो कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल हुई होनी चाहिए। फाइन, ओके। आगे हम बात करते हैं कि ये तो प्रोविंसेस के बारे में मैंने बताया हुआ कि नूनावत और क्यूबिक और नॉर्थ वेस्ट ओंटारियो, ये सारे क्यूबिक्स हैं, उनका कितना एरिया है, उनका कितना किलोमीटर का एरिया है, कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो सब कुछ इस पर मैंने बताया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं हम फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के बारे में। दैट इज़ अ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस। FSWP में भी अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है तो उसमें क्या कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इज़ जो आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिला है उसके बारे में बात करते हैं। इज़ इन द सेम टाइप ऑफ जॉब एज योर प्राइमरी NOC, जो NOC लिस्ट कनाडा की बनी हुई है उसमें आपकी जॉब होनी चाहिए। विद इन द लास्ट 10 ईयर्स होनी चाहिए। आपका वर्क पेड होना चाहिए। आपकी जो NOC लेवल है जॉब की वो एट स्किल टाइप 0, स्किल ए और बी में होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर आपका कंटिन्यूस फुल टाइम जॉब, यानी कि 30 आवर्स पर वीक फॉर 12 मंथ्स होने चाहिए। अगर पार्ट टाइम में है तो 1560 घंटे होने चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। उसकी कंडीशन ये है कि 15 घंटे कम से कम 1 हफ्ते के हुए होने चाहिए फॉर 24 मंथ्स। ओके, दूसरी बात लैंग्वेज एबिलिटी। अब आपका जो लैंग्वेज स्कोर है वो कम से कम CLB 7 यानी 6 ईच होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आपके टेस्ट की जो रिजल्ट है वो अपडेट हुआ होना चाहिए। ओके, थर्ड इज़ द एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन आपने की हुई है पोस्ट सेकेंडरी या +2, ठीक है, अगर आपने की हुई है फॉरेन एजुकेशन तो वो ECA उसकी रिपोर्ट चाहिए। दैट इज़ वो वेस्ट से होती है, ठीक है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से उसकी एक ECA रिपोर्ट होती है, वो अपलोड हुई होनी चाहिए। सो बेसिकली इनके सिलेक्शन फैक्टर्स हैं एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, वेदर यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर, आपकी IELTS का रिजल्ट, आपकी अडेप्टेबिलिटी एंड द लास्ट इज, और इसमें आपके 67 पॉइंट्स बनने चाहिए, देन यू आर टोटली एलिजिबल। ओके, इसके बाद आता है दूसरा प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम। ओके, अगर किसी बच्चे ने ट्रेड ली हुई है, ठीक है, तो उसकी कंडीशन अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीट द रिक्वायर्ड लेवल्स ऑफ इंग्लिश। ओके, उसके बाद हैव एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस
इन अ स्किल्ड ट्रेड विद इन द 5 ईयर्स बिफोर यू अप्लाई. थर्ड इज़ द मीट द जॉब रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट स्किल्ड ट्रेड, जो की जॉब रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है. और आपके पास ऑफर होना चाहिए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 साल का, कम से कम आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए. स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस. अब इनमें कौन कौन से एलिजिबल हैं लोग? सबसे पहले मेजर ग्रुप 72, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. 73 मेजर ग्रुप, मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट ऑपरेशन वर्कर्स. मेजर ग्रुप 82, सुपरवाइजर्स एंड टेक्निकल वर्कर्स इन नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड प्रोडक्शन. मेजर ग्रुप 92, प्रोसेसिंग वाले बंदे, मैन्युफैक्चरिंग वाले एंड यूटिलिटी सुपरवाइजर्स एंड सेंटर कंट्रोल ऑपरेटर्स. मेजर ग्रुप 632, शेफ्स एंड कुक्स. यस, मेरे को काफ़ी क्वेरीज आती होती हैं कि सर हम कुक हैं, हम शेफ हैं, सर हम एक्सप्रेस एंट्री में लगा सकते हैं कि नहीं. यस, आप एक्सप्रेस में लगा सकते हो, लेकिन उसके आगे जो फर्दर कैटेगरी है वो ट्रेड की है, तो आप ट्रेड में लगा सकते हो. ओके, माइनर ग्रुप 633, ये दोनों माइनर ग्रुप में आते हैं, शेफ एंड कुक एंड बुचर्स एंड बेकर्स. ओके, तो आपके पास ये फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम है, ये मतलब कि इसमें जो ट्रेड वाले बंदे हैं वो इजीली अपनी फाइल लगा सकते हैं. उसके बाद एजुकेशन की अगर बात करें, देयर इज नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम, बट इफ यू वांट टू अर्न पॉइंट्स फॉर योर एजुकेशन अंडर द एक्सप्रेस एंट्री यू नीड आइदर, वही फिर से बात आ गई, या तो आपके पास कनाडा की पढ़ाई हो, पोस्ट कैंडी सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, या आपकी इंडिया से जो आपने पढ़ाई की है उसकी ECA रिपोर्ट हो, तो आपको एक्सप्रेस एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे. उसके बाद बात आती है लैंग्वेज एबिलिटी की. फ्रेंड्स, इसमें जो ट्रेड में लैंग्वेज एबिलिटी काफ़ी कम है, मीट द मिनिमम लैंग्वेज लेवल ऑफ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB 5 फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग और CLB 4 फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. ये काफ़ी कम है फ्रेंड्स, आप इजीली इसको ले सकते हो, इजीली मतलब ये अचीव हो सकते हैं. चलिए अब हम बात करेंगे कैनेडा एक्सपीरियंस क्लास के बारे में, CEC. मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको अप्रोच करते हैं, या फिर एक्सप्रेस एंट्री, ये है एक्सप्रेस एंट्री का पार्ट ही. वैसे देखा जाए तो सबसे पहले आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए. उसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट इज़ द IELTS एंड सेकंड इज़ द WES. IELTS में 6 ईच होने चाहिए, WES मतलब कि ECA रिपोर्ट आपकी कंप्लीट हुई होनी चाहिए. ठीक है, ओके. उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट आगे पढ़ते हैं हम. टू क्वालिफाई फॉर द IEC थ्रू एक्सप्रेस एंट्री यू मस्ट हैव एटलीस्ट 12 मंथ्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस. आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 3 साल के अंदर अंदर. वर्क फुल टाइम होना चाहिए या इक्वल अमाउंट होना चाहिए पार्ट टाइम, मतलब कि 1560 घंटे. ओके, दूसरा पॉइंट, गेन योर वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा विद अ प्रॉपर ऑथोराइजेशन. जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कैनेडा में ही होना चाहिए. थर्ड, मीट द रिक्वायर्ड लैंग्वेज लेवल्स नीडेड फॉर योर जॉब. अगर आप काफ़ी स्किल्ड लेवल पर हैं, अगर आप एज ए मैनेजर जॉब कर रहे हैं और आपकी NOC भी काफ़ी हाई है, तो फिर आपका जो स्कोर जितना आपको रखना चाहिए आपको उतना जितना इन्होंने बोला हुआ उतना आपका होना भी चाहिए. लैंग्वेज एबिलिटी राइटिंग रीडिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग में, ठीक है, IELTS स्कोर जिसको हम बोलते हैं. उसके बाद स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें, टू बी एलिजिबल फॉर CEC यू नीड टू हैव कैनेडियन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस विद इन द 3 ईयर्स ऑफ अप्लाइंग. ओके, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, दैट इज स्किल लेवल 0, स्किल लेवल A एंड स्किल लेवल B. आपका एक्सपीरियंस जो है वो पिछले 12 महीनों का होना चाहिए, जिसमें कि 30 आवर्स पर वीक फॉर 12 मंथ्स आपका फुल टाइम गिना जाता है, 1 साल का फुल टाइम. ठीक है, ओके. एजुकेशन की बात करें तो देर इज नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर CEC, बट अगर हमने एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाई है फ्रेंड्स, तो उसमें आपके जो ECA रिपोर्ट है इंडिया से जो बनकर आपको आएगी, वो आपको उसके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएंगे. लैंग्वेज एबिलिटी की बात करें, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कितने, मतलब कि हमें IELTS का स्कोर लेना चाहिए. सो फ्रेंड्स, अगर आपकी जॉब NOC 0 और A में है, तो आपको CLB 7 लेना है कम से कम, इट मीन 6 ईच. और अगर आपकी जॉब NOC B में है, तो CLB 5 भी आपका चलेगा. ओके, बाकी फिर वही सिलेक्शन फैक्टर्स है फ्रेंड्स, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड आपकी IELTS हो गई और आपकी अडेप्टेबिलिटी. 67 पॉइंट्स हमने लेने होते हैं 100 में से. अगर आपके 67 बन जाते हैं, तो ईजिली आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल डाल के उसके बाद आप CEC में
अगर आप अचीव हो जाते हो, दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन। ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है, आप इस पे जाके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा जो है ख़त्म होने के बाद, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेने के बाद, आप पीआर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं। एक CRS स्कोर होता है, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो आप तब करोगे लेकिन जब सबसे पहले आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट होगी, उसके बाद CRS स्कोर आपका, आप उसको देख सकते हो कितने बन रहे हैं। जब आप प्रोफाइल बनाओगे, प्रोफाइल के एंड में आपके CRS स्कोर आ भी जाएंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो फिर भी मैंने CRS स्कोर किस तरह कैलकुलेट करने हैं उसकी अलग मैंने एक एक्सप्रेस एंट्री की वीडियो डाली हुई है मेरे चैनल में, यूट्यूब में, वीज़ा हब में, आप उसमें जाकर भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से आपने अपने स्कोर जो है वो कैलकुलेट करने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छी लगी तो काफ़ी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीज़ा हब का चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।